बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ रहे थे कौन सा बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था इसमें बोरॉन के हैलाइड और ऑक्साइड। हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है और उनको बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, और इसके पश्चात आज उसी के आगे पढ़ते हैं ये बोरॉन ट्राई हैलाइड्स। बोरॉन ट्राई हैलाइड्स, हैलाइड क्या होते हैं, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या कहते हैं, हैलोजनी एलिमेंट्स, हैलोजनी तत्व। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होते हैं, हैलोजनी तत्व होते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यदि बोरान से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोरान ट्राई हैलाइड। हैलाइड जो होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बोरान ट्राई हैलाइड को क्या लिख दिया गया, बी एक्स थ्री। एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन भी ब्रोमीन भी आयोडीन भी। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोरॉन से जुड़ करके बोरॉन ट्राई हैलाइड्स बना लेते हैं। तो अब इसके पश्चात बोरॉन ट्राई हैलाइड में जैसे कि बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, BF3 क्या है, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार बोरॉन ट्राई क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों क्या हैं, कलरलेस होते हैं, है ना, रंगहीन होते हैं, कलर नहीं होता। इसी प्रकार से BBr3 ब्रोमीन ट्राई ब्रोमाइड, ये बहुत ही वाष्पशील द्रव है ना, वोलेटाइल लिक्विड है, वाष्पशील द्रव है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 91.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद जो बोरॉन ट्राई आयोडाइड Bi3 के बोरॉन ट्राई आयोडाइड, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, बोरॉन ट्राई आयोडाइड। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार से जो बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स हैं, बोरॉन के संग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग करके जो ट्राई हैलाइड्स बनता है, जैसे कि बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, बोरॉन ट्राई क्लोराइड, बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड, बोरॉन ट्राई आयोडाइड, ये जो बोरॉन के क्या है, ट्राई हैलाइड्स हैं। हैलाइड मतलब हैलोजन जुड़ गया। तो ये कैसे होते हैं हैलाइड्स। अब इसके बाद इसमें पढ़ते हैं कि जो बोरॉन ट्राई हैलाइड्स हैं इनको बनाया कैसे जाता है, इनको प्राप्त कैसे करते हैं हम लोग, बोरॉन ट्राई हैलाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्त करने की विधि क्या होती है, Na2B4O7 क्या है, बोरेक्स, है ना, बोरेक्स या सुहागा, Na2B4O7। तो बोरेक्स या सुहागा की क्रिया किसे कराते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इनसे इसकी रिएक्शन कराए जाते हैं। तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और बोरान ट्राई फ्लोराइड प्राप्त होता है, BF3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सुहागा की अभिक्रिया, सुहागा की रिएक्शन या बोरेक्स की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर बोरान ट्राई फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, B2O3 क्या है, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड की क्रिया
कार्बन और क्लोरीन से कराने पर बोरान ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर बोरान ट्राइऑक्साइड कार्बन और क्लोरीन की अभिक्रिया किस पर कराते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तो ये बोरान ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी के पश्चात बोरान ट्राइऑक्साइड की क्रिया कार्बन और ब्रोमीन से कराएं, इसको भी 500 तक लगभग गर्म करना पड़ता है, जबकि बोरान ट्राइऑक्साइड और क्लोरीन कार्बन और ब्रोमीन को कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बोरान ट्राई ब्रोमाइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है ना, बोरान ट्राई ब्रोमाइड। इसी के पश्चात बोरान ट्राई फ्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, जल से। बोरान ट्राई फ्लोराइड की क्रिया जल से कराने पर क्या बन जाता है, HBF4 और BOH का होल थ्राइज प्राप्त होता है। ये HBF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 और HBOH का होल थ्राइज क्या होता है, आर्थोबोरिक एसिड, ये प्राप्त होता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट क्या है, बोरान ट्राइक्लोराइड की क्रिया रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो BOH का होल थ्राइज और 3HCl प्राप्त होता है। BOH का होल थ्राइज क्या है, आर्थोबोरिक एसिड। और इसी प्रकार से बोरान ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो इसमें भी BOH का होल थ्राइज प्राप्त होता है, आर्थोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है इसमें जो अमोनिया NH3 अमोनिया की रिएक्शन ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से कराते हैं तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया NH3 ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, दोनों जुड़ जाते हैं इसमें, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जुड़ करके एक संयुक्त उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये बोरॉन ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें कि बोरॉन के साथ हैलोजनी तत्व क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। बोरॉन के संग तीन ही हैलाइड जुड़ते हैं, एक दो या नहीं जुड़ते, क्यों, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। बोरॉन की बारीक अच्छा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3। तो 3 ही क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन केवल 3 ही जुड़ेंगे, क्योंकि तीनों हैलाइड जो होंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सभी की बारीक अच्छा में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बारीक अच्छा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की वैलेंसी या संयोजकता 1 होती है, क्योंकि बारीक अच्छा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तीनों हैलाइड बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं। तो इसमें जो हैलाइड जुड़ता है बोरॉन से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हैलाइड जुड़ता है, तीनों हैलाइड जो बोरॉन से जुड़ते हैं तो बोरॉन से साझा करने के पश्चात हैलाइडों का अष्टक तो पूरा हो जाता है, क्योंकि 7 है, 1 साझे से मिल गया तो 8 हो गए, लेकिन बोरॉन की कोवैलेंट बनाने के बाद, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। बोरॉन की 3 बारीक अच्छा में 3 साझे से हो गए तो 6 ही होते, अष्टक पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये डाइमर रूप भी बना लेते हैं। और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने बोरॉन की
जो दूसरे तत्वों से जो जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसका भी डिस्कशन किया था कि बोरान के दूसरे कंपाउंड से जुड़ करके जो कंपाउंड बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसको डिस्कस किया था। तो ये बोरान में स्पेशलिटी होती है कि बस इस जो बोरान फैमिली है 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, सभी आयनिक बनाते हैं, लेकिन बोरान ये बना लेता है। इसकी ये स्पेशलिटी है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से ये बोरॉन ट्राईहैलाइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनकी कैसे प्राप्त करते हैं और इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लास्ट में। ये रिएक्शन जिसमें कि बोरॉन ट्राईहैलाइड्स की रिएक्शन वाटर से कराया रिएक्शन, तो इसमें आर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने बोरॉन ट्राईहैलाइड्स को डिस्कस कर लिया, बोरॉन ट्राईहैलाइड, और नेक्स्ट टर्न पर इसी में आगे बोरॉन, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्युमिनियम। इस ग्रुप में बोरॉन फैमिली में दो ही एलिमेंट ऊपर हैं, लेकिन कुल मिला के कितने एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन दो के बारे में डिटेल से पढ़ना है, कौन कौन से, बोरॉन के और एल्युमिनियम के बारे में। तो ये हम लोगों ने बोरॉन के बारे में पढ़ लिया, समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पे बोरॉन और एल्युमिनियम को आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।